रख के बनाया गया है और उसका ये पहला साल है। दूसरी बात है कि हम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में यहाँ बैठे हैं जिसमें एमएसएमई के लिए इन्होंने एक कोलेट्रल फी स्कीम के लिए 9,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है जिससे कि 1% ब्याज कम पर लोगों को पैसा मिल सकेगा। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ जो इस राज्य की बात अगर हम देखें तो इस राज्य में जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं या एकलव्य स्कूल्स बनाने हैं उसके शेयर्स में बहुत सारे खुलने हैं तो उसमें इस राज्य को भी 9% का शेयर मिल सकता है तो राज्य को आगे बढ़ के वो शेयर लेने की चेष्टा करनी चाहिए। ये कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में इंडिविजुअल इनकम टैक्स में टैक्स फ्री होने की बात हो गई। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें आई हैं लेकिन ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आज रामलाल जी, रामलाल बिहार की नज़र से देखें जो बिहार के जो 130 करोड़ जनता है उसकी अपेक्षा थी कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल होगा क्योंकि बिहार हमारा एक गरीब राज्य है उसको आगे लाने के लिए इसमें कुछ भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया। बजट कहीं अच्छा कहीं खराब, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब होगा लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि बिहार को कुछ हम आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं। तो ये बिहार की नज़र के देखा जाए तो ये निराशाजनक बन रहा है। Acknowledged with pride, the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, महोदय। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेष उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है।